भाई ये से 1 मिनट इसका पूरा जाएगा। ओ भाई साहब वजन भाई चाहिए। ओ यार आ गया, आप तो चिकन बिरयानी करा ही दो मुझे ना। ओ मैं आपको पॉपुलैरिटी भी दूंगा। वालेकुम अस्सलाम, आ जाएगा वापस। वाह जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्स अप, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। मिलकर सब लोग फिट फाट मौजता है, चंगे बोलेंगे। वेलकम टू रिजान वाइटी। तो मेरे सब दोस्तों को जुमा मुबारक हो। लुश लुश और बताएं क्या हाल है, क्या चल रहा है। चप्पी पाके दे पप्पी, उधर एक पप्पी इधर। सो गाइस, सीन ये कि एक बहुत तबाही गेम प्ले है। लाइक रैंडम स्क्वाड को मैं ज्वाइन करता हूँ एज अ नूब। इससे पहले काफ़ी दफ़ा ज्वाइन करता हूँ लेकिन किक कर देते हैं, आई डोंट नो क्यों। लेकिन ये अच्छा होते हैं, अंदर घुसते हैं बिग फैन और ये और वो, मजाक भी उड़ाते हैं। और आपको पता है उनकी एक रैंडम स्क्वाड जब ज्वाइन करो तो कैसे होता है। इसमें बहुत मज़ा आएगा, इंटेंस फाइट भी है, रश गेम प्ले भी है, मैं काफ़ी दफ़ा नॉक भी होता हूँ, फिर मुझे ये लोग रिवाइव भी करते हैं, जो उम्मीद मुझे नहीं होती रैंडम स्क्वाड्स करती है, लेकिन लिटरली ये लोग पूरा करते हैं। फिर इनको चिकन डिनर भी देता हूँ, जैसे उस बंदे ने कहा था आते कि आप चिकन डिनर करवाओगे। वाकई में फिर हैरान हो जाता है यार कि कैसे चिकन डिनर, क्योंकि सब क्योंकि कॉन्करर का प्लेयर था, कोई ऑस्क एस का प्लेयर है इसके अंदर। और उसके अलावा गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल पिंग का क्या मसला चल रहा है। मैंने दो वीडियोस अपलोड की हैं, तो लाजम जाके देखना कि पबजी बैन क्यों हुई है और पबजी का सोलूशन क्या है और हम लोग कैसे खेल सकते हैं। बीच बीच में आज बताऊँगा भी मैं कि बैन होने की मेन वजह क्या है और पबजी को हम लोग अनबैन कैसे कर सकते हैं। तो इट्स रियली ईजी। तो गाइज हम लोग पोशंकी जा रहे होते हैं, यहाँ पे हमारे अलावा एक नेक्स्ट लेवल स्क्वाड आता है जिसके साथ हम लोग तबाही अनगिनत कबड्डी कबड्डी खेलेंगे और एक दो सोलो भी आते हैं, आगे पीछे उतर जाते हैं। यहाँ पे इंसान उतरते हैं, चाहिए यहाँ पे गाइज मसला क्या आपको। होता है, देखो मैं कूद के अंदर जा रहा हूँ ना, ये क्या कर दिया मैंने, वो एक नया बटन आया था ना, वो जो नीचे, वो जो जंपिंग के नीचे, उसको मैंने कंबाइन नहीं किया, मतलब सेपरेट किया था, कंबाइन किया था, उसकी वजह से मैं अंदर जा ही नहीं पा रहा था। मुझे भाई समझ मेरा नहीं एक आती मैंने दोस्त है, क्या वो कर दिया, मैंने पासपोर्ट सुना कि चाहता है गलती हो गई है, उसकी, तो मैंने कोई कहता पबजी मेरी का कोई शॉर्टलिस्ट के उंगल ऊपर आ पेच जाए, कर मैं दिया, उसमें कुछ ना कुछ गेम छेड़ दिया, तो देखना मुझे समझ चाहता नहीं आती। तो आप लोगों को बताइए कि बंदा भाई छेड़े छोड़ो के वगैरह कुछ सीख सकता है या नहीं। तो यहाँ पे भाई भी कूद रहा हूँ, देखो कोशिश करता हूँ, समझ ही नहीं आ रही हुआ लिटरली मुझे समझ नहीं आ रही होती। हाँ तो एनी वाइज, तो मैं यहाँ पे आराम से एक मस्त वाली लूट करूँगा और लूट करने के बाद जो आगे पीछे बंदे जो फाइट ले रहे हैं उनसे जाके मस्ती करेंगे। काफ़ी दोस्तों का सवाल ये होगा कि मेरी पबजी कैसे चल रही होती गाइज, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, टू बी फ्रैंक विथ यू। तो यहाँ पे इसलिए मेरी पबजी सही चल रही है, लेकिन इंशाल्लाह लव है पाकिस्तान और पाकिस्तान को फुल टाइम यहाँ से हम लोगों ने पबजी और जो भाई, लोग यकीन नहीं जितना मैं सपोर्ट कर सकता हूँ मैं चार साढ़े करूँगा, चार सौ इसलिए एमएसपी मैं खेल रहा कंपेटिटिव हूँ। लेवल भी नहीं खेल पाता पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाहता है लेकिन नहीं खेल पाता। तो यहाँ पे बंदे भाई राइट में मंडरा रहे हैं और लेफ्ट में एक ऊपर है, उसने तबाही फेरी हुई है, वो फुल गंदी कैंपिंग कर रहा हूँ। मुझे ये मसला होती है वहाँ पे अपनी जान M4 मिल जाती है तो सबके धुएं निकालेंगे और धुएं ऐसे मस्त वाले निकलेंगे, जब धुएं धुएं निकलते हैं ऐसा लगता है खाना पक रहा होता। राइट में बंदे हैं, अभी लेफ्ट में बंदे हैं, इसमें स्पॉट करके बोलते हैं बंदा किधर, वो बंदा मुझे कहते हैं पर पर ये ऊपर ऊपर जाइए कहाँ बैठे हो आप, कल कल यहाँ पे भाई इनको करेंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद राइट वाली स्क्वाड है, एक बंदा पीछे भी है, हाँ ये पीछे वो फुल लूट के आएगा। मुझे दिक्कत बाबा ये हो रही है कि बंदा कहाँ से घुसूर, मसला बाबा यही हो रहा है जाने आने का। वैसे दोस्तों आज लाइफ कैसे गुजर रही है पबजी के बगैर, फैमिली को टाइम दे रही हो कि नहीं प्लेयर वन दे रही आपको हो रिक्वेस्ट गए। भेजता हूँ, लाइक पहले आप डेफिनेटली उसको ऐड गाइज करूंगा। मेरे ख्याल से पबजी उन्होंने बैन भी इसलिए करवाई है कि बंदे फैमिली को भी बैठ के टाइम है, अम्मा की भी सुन ले, अब्बा की भी सुन ले, अम्मा का ये 16 साल ले यार क्या बस जो कभी कभार दोस्तों के साथ माँ प्यो रूम दी नहीं खेलता सुनी तो हूँ फिर ना, क्या सुननी यार। उसमें फिर डेफिनेटली है, आपको मैं ऐड राइट। कर लूंगा। ताकि बंदा पढ़ाई छोड़ के बैठा हो, मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ ओके हो सुधरी गया भी भाई, हैं, भाई लाइक जो बंदे आवारा मैं गर्दी देख रहा हूँ करते एक थे ये बंदा करते, लेकिन यार एक
अगर ज़्यादा किसी चीज़ के खेला जाए ना, सामने से फायर आ जाता है, बंदे ने बोला कि एनिमीज हैं बहुत तो मैं कवर नियर देता हूँ, तो भाई जाके हेड पड़ते हैं यहाँ से, मैं फिर लेफ्ट में चले जाएंगे। फैमिली की सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे, हर बंदे मेरे सामने। सॉरी कंटिन्यू करेंगे टॉपिक, मसला नहीं। यहाँ पे बंदे सामने एक तो आज तक आपका नहीं देखा, मैं तो कुक करके बूथी पे मारा उसने, मुझे स्प्रे दिया। मैं हील शील करूँगा, पटियाटी करूँगा, तो सामने वो लोग पुश करेंगे, बेसिकली हम लोग उन पर पुश करेंगे। अच्छा ये लोग कभी कभी ऐसे लोग होते हैं खतरनाक कैंपर, एक कमरे के अंदर तीन तीन चार चार बैठ जाते हैं, पहले सारे छोटे होते हैं। यहाँ पे सीन होगा मेरे साथ, यहाँ पे भाई रैंडम स्क्वाड का जब कवर मिलता है ना, तो कहता है पप्पी जपी दूँ लोशे लोशे कर दूँ, रियली हेल्प मी यार, उम्मीद नहीं थी कि मुझे हेल्प करेंगे। सामने आएगा इतने जान लिया मुश्किल लिया, ओए यहाँ पे मिल गई, मैं बच जाता हूँ। भी आए थे लेफ्ट में, लेफ्ट से भी आए थे, सो भाई साहब इन्होंने अपनी जान बचाई, मैं अगर शुक्रगुजार हूँ, इसी वजह से मैं इनको चिकन नहीं देता हूँ। गाइस जो बंदे पहलने हैं ना, अभी एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर के साथ, तो गए हम लोग बात कर रहे थे कि देखो हर चीज़ ना जो हद से ज़्यादा हो जाती है ना, वो इंसान के दिमाग को मफलूज कर देती है एक्सटेंड लेवल एक्सट्रीम लेवल पर। तो गाइस यहाँ पर भी आते हैं अभी, गाइस एक स्कूल के अंदर भी स्क्वाड है, हमें मालूम नहीं होता। अच्छा वो हम मैं टावर वालों से पंगा ले रहा था, वो टावर नीचे आता ही अपना जकूटा जी नहीं होता, मोस्ट प्रॉब्ली मूव तो ऐसे कर रहा था एसएसली, ये मुझे तो जकूटा जी नहीं लगता है, नहीं हाँ ये एसएसली मालूम नहीं होता, लेकिन ये मेरे ख्याल से किल चोरी हो जाता है अपना, नहीं मिल जाएगा शायद। अरे लेफ्ट में बंदे का नाम आया ना, ये जो डी टी, ये बहुत नेक्स्ट लेवल स्क्वाड, इसको देखना कैसे मालूम होगा। अच्छा अभी पीछे एक बंदा है, ये तो जकूटा जी ने ना, एक अभी पीछे एक बंदा आएगा ऊपर वाले, ऊपर पाकिस्तानी है और बहुत गंदा स्प्रे दे रहे होते हैं अच्छी स्क्वाड उन लोगों की, अब इसको देखना कैसे मारता भाई। ये बहुत नेड करता है, इसको हवा में उड़ा दिया मैंने इसका भी अपना मज़ा आता है, बंदा किसे कहता है ओए होए भाई साहब। अभी अच्छा ऊपर पाकिस्तानी भाई गाड़ी फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे गाड़ी के अलावा भाई बहुत दिक्कत हो जाती है मेरी गेम प्ले, तो भाई समझ लो कि 30-40% गाड़ी में रश करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है अपनी टोयोटा क्रेटा, भाई टोयोटा क्रेटा के अपने मर्जी 89 मॉडल के मैनुअल हो, तो ऐसी स्किटें बजती हैं ना, मज़ा आया था इसको चलाने का। जिसे नहीं चलानी, जिसे नहीं चलाई हो, जिसको मालूम है ओए टूटा कर सीढ़ा पुरानी बंदा भाई बाज नहीं आता, मुझे तब चढ़ जाती है, मैं कहता हूँ भाई यहाँ से इसको नॉक करूँगा, नॉक करने के बाद एक पप्पी जब भी देखे लोशे लोशे रश करूँगा, सीन चेक करूँगा, मैं हील शील करूँगा। हील तो भाई बहुत ज़रूरी होती है, हील से मस्ती बिल्कुल बकवास है। सो गाइस यहाँ पे हम टैप करेंगे सिंगल सिंगल करके, टैं 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 टैं, ये कहाँ भागेगा। अगर यहाँ पे क्राउन, मेरा टायर भी अच्छा होता है शायद क्राउन 4 या क्राउन 5 होता है, यस मोस्ट प्रोबेबली। तो मैं बंदे को बोलता हूँ हम लोग जा रहे हैं, तू वेट कर, तुम भाई जाके इनके लोशे लोशे करेंगे, क्योंकि जो एक बेनिफिट होता है कि बंदा एक लो होता है, दूसरा नॉक हुआ होता है, तो गाइस इसे चेक करें, ये बेनिफिट गया, इसको चेक करो भाई, क्राउन मूव करूँगा। तो भाई साहब माफिया साहब भी चली गई और ये भी चला गया, तो उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं जॉर्जा पुल, घूमते घूमते यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ पड़ी खड़ी होती हैं, तो यहाँ पे मैं मोस्ट प्रोबेबली उतर के चेक करता हूँ कि है कि नहीं ऊपर नीचे। तो बंदे का एक मुझे वो जो रैंडम भाई होते हैं वो कह रहा होता है कि नहीं भाई ये लोग गाड़ी यहाँ पे खड़ी करते हैं और घूम कहीं और रहे होते हैं, सर मुझे तो आइडिया बिल्कुल नहीं होता, तो मैं कहता हूँ अच्छा मैं ऊपर से घूम फिर के आता हूँ, लेकिन समझ नहीं आती। सो गाइस जस्ट गेट बैक टू टॉपिक, देखो ईमेल वगैरह सेंड करो उधर, उसको क्या कहते हैं यार ये जो उन्होंने कंसल्टेशन वगैरह के लिए दिए हुए और पीटीए वालों ने, और उनको भेजो नो डाउट, और फॉर श्योर ये लोग ना टेस्ट कर रहे हैं, हर चीज़ टेस्ट करते हैं कि इसका नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, पबजी के वजह से क्या हो रहा है। मुझे मालूम है कि फाशी की वेबसाइट्स भी हैं और टिकटॉक भी होता है, ये वो होता है, लेकिन ना इससे जहनी बीमारियाँ इंसान को बहुत मिल रही हैं। टिकटॉक में आप मोस्ट प्रोबेबली शायद दे देते हैं कि एक दो मिनट की वीडियो बना ली, छोड़ दिया, किसी को स्वाइप अप करके देख लिया, लेकिन पबजी के अंदर गाइस आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 15-16 आवर्स लाइक उनका दिमाग उधर ही होता है, अम्मा बाबा भी बुला रहे, कार में टूटियाँ ठोकी हुई या कुछ सुन नहीं रहा होता, ये देखो वही मसला हो रहा है। इसको बाद में अगली गेम में सेट कर लेता हूँ,
गाइस एक टीडीएम आएगा 1v4 अरबियों का। गाइस देखना अपने भाई ने कैसा मुकाबला किया, उन्होंने मुझसे चैलेंज कर दिया था, मैंने चलो जो भी करना है देखा रहेगा। अच्छा इनके बारे में कैसे मैंने कहा था वो बंदे ऊपर हैं और इनको देखो मारूंगा कैसे। मेरे जो बंदे उधर हैं मैं यार, क्योंकि मुझे किल्स चाहिए होते हैं, ये वीडियो बनती किल्स के ऊपर है, वरना बंदा फ़ायदा क्या रैंडम को ज्वाइन करने का। तो गाइस यहाँ पे ऊपर बंदे हैं, मैं स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो ना ऊपर नीचे यानी कि फुल, आपको पता है जब प्रो स्क्वाड होती है तो अपनी हेयरिंग शेयरिंग नहीं देती, फुल बड़े तरीके से जाऊँगा, क्राउच करते करते पॉन होते होते जाऊँगा, गाइस तरीके से उनको घेरूंगा। अब मैं अकेला इधर आता जाता हूँ और मैं डर लगता है कि गाइस मुझे क्रेट ना बन जाए, सीन चेक करवा, सामने बंदे हेयरिंग उनकी दबा दबा आ रही है मुझे एंगल। अगर मैं इसको एक दो शॉट देता तो ऑफकोर्स डेफिनेटली बच जाता। मैं क्या करता हूँ फुल तरीके से ना, यानी कि जब तक एंगल ना बना करें ना गाइस, अगर मतलब थोड़ा क्लोज कम्बैक के अलावा यानी कि थोड़ा सा थोड़ा दूर है तो तब तक तो पंगा ना लिया करो। आई अंडरस्टैंड आप डैमेज कर लेते हो लेकिन कोशिश यही किया करो कि जब तक एंगल ना बनता। अभी देखो फिर एंगल बनना था वो, फिर अगर मैं उसके ऊपर फायर करता फॉर डेफिनेटली भाग जाता फॉर श्योर, फ़ायदा भी नहीं होता और उसको मालूम भी चलता मैं इधर आया था। अभी सीन चेक करना, मैं उस वक्त कुछ नहीं कर रहा जब तक मेरे बंदे को, मेरे बंदे की खोपड़ी में M24 कैसे दिया तब चढ़ गई ये। क्यों मारा मेरे दोस्त को, उसका धुआं निकला, इसको समझ नहीं आई पड़ी कहाँ से, वो पागल नहीं हो गया। अच्छा मैं नीचे क्यों हो रहा, क्योंकि इसका बंदा के नीचे भी है, इसका एक बंदा नीचे है, हाँ हेयरिंग आ रही थी ना, मैं इसलिए बाबा नीचे आता हूँ क्योंकि मैं क्लोज भी नहीं जा रहा था, क्लोज जाऊंगा तो मुझे वो दे देगा। देखा यहाँ से इससे मैं पहले नहीं आ रहा था, ये सीन चेक करना। अच्छा खासा उसने मेरे को दिया, तो गाइस ये सामने बंदा है, अब वो मेरे को फुल हार्ड स्कोप करके बैठ गया भाई साहब, जैसे दुनिया पकड़ देगा मेरी खोपड़ी को साहबा उड़ा देगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं। सो गाइस नो मस्ती विद पबजी, चिल रहो रिलैक्स रहो, थोड़ा वॉक शॉक के लिए भी जाया करो, रूटीन लाइफ पर भी आओ। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये जाती है और कुछ जाती, इसके बहुत से नेगेटिव असरात भी पड़े हैं। आई अंडरस्टैंड कि पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा लेकिन नेगेटिव ज़्यादा है भाई, बड़े बड़े लोगों के रिश्ते टूट गए, घरों की तलाकें हो गई हैं। आई अंडरस्टैंड कि लड़कियां खेलती हैं अपनी मर्जी से, जिसने खेलना हो नहीं खेलेगी, लेकिन बहुत मसले भी जा रहे हैं इसके ऊपर। सामने बंदा बिल्कुल सामने आके प्रॉन हुआ, रिलैक्स हो जाओ, ये दोस्ती हम नहीं छोड़, इसका मौका जल्दबाजी ने उसको मौका दिया, हेडशॉट उसकी खोपड़ी पे मारा और उसको कर दिया डाउन। तो क्या यही मसला हो गया मेरे साथ, अंदर घुसना कैसे है, यहाँ पे जंप पे मार देता हूँ वास्को डी गामा का भतीजा, इसको करेंगे फिनिश, फिनिश करने के बाद लूट करेंगे, यहाँ पे हो रहा है अपना सरकारी ड्रॉप, उसको जाके लूटेंगे और गाइस एक लोशे लोशे करेंगे। यहाँ पे देखिएगा गाइस सीन चेक करना भाई, प्रो प्लेयर से डर 0% में नहीं लगता, डर लगता है तो आप लोगों को कैंपर से भाई, मुझसे वैसे चिकन ले लो लेकिन पीठ पीछे मार अच्छा नहीं लगता। सो गाइस यहाँ पे सीन चेक करना, मैं लूटूंगा ओम मुझे मिलती है, ये सीन चेक यार, ये कहाँ से आ रहे थे भाई, कौन है ये लोग, मुझे पता भी नहीं होता पीछे लेटा। शुक्र है भाई नंबर 2 साथ होता है, यहाँ से उधर चले जाते हैं उसको स्मोक वगैरह डाल, इसकी हेल्प है, इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा भाई को चिकन ले जो करवा। सो गाइस सो लोशे लोशे भाई, वो एक पप्पी दे एक पप्पी दो के साथ गाइस गेम प्ले का मजा आ रहा था। गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करो और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना ताकि आप लोगों के पास मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे और ऐसे ही आप लोगों को मजे वाली अच्छी कमेंट्री के साथ इंजॉय करवाता हूँ। गाइस वही मसला, अंदर नहीं घुसा जा रहा क्योंकि हिल शिल करनी है, तो भाई यहाँ पे चुप करके कोने में चूहे की तरह बैठ जाओ, हेल से लगाओ और मुझे अरबी स्क्वाड ऊपर उनको पहलूंगा मस्त वाला। हाँ दोस्तों सो विद पबजी नो मजाक, आई अंडरस्टैंड, VPN तो मत लगाओ भाई, 10 साल का बैन हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स की ID भी बैन हो चुकी है। ये जो जो बंदे कह रहे हैं ना कि YouTube अपलोड कर रहे हैं भाई VPN ये लगाओ, क्विक VPN लगाओ, ये VPN लगाओ, वो VPN लगाओ, भाई कोई VPN का फ़ायदा नहीं है। मेरे दोस्त को डाउन कर दिया उसने, सामने बंदा है क्राइट वेव, इनको भी मैं जाके रिवाइव करूँगा, बंदे को भी निकलेंगे। सीरियसली इतनी ID पर कितना खर्चा किया होगा आप लोगों ने, कितनी कितनी देर से लगे होंगे यार, मोस्ट ऑफली सीजन 2 सीजन 3 से लगे रहोगे ना पबजी, तो गाइस जस्ट सब्र कर लो यार, अब मतलब थोड़ा चिल कर जाओ भैया। एक और मस्ती भी चल रही है गाइस, किसी की गेम चल रही है सही, मेरा दोस्त है उसकी सही चल रही होती है, बिल्कुल गेम में लॉग इन होता है जाके खेल रहा होता है, ये मुझे थोड़ा मजाक नहीं समझ रहा यार,
कि जिसके करनी है सबकी करो, नहीं करनी स्पोर्ट है किसी किसी भैया, की, हाँ हाँ कुछ खेल रहे हैं कुछ नहीं खेल रहे, एक ही घर के अंदर कुछ कजन खेल रहे हैं कुछ नहीं खेल रहे, व्हाट इज दिस यार, दिस इज लिटरली वेरी बैड यार। एनी हाउ दोस्तों, बंदे ऊपर हैं, वो ऊपर आया, वो जब रॉकेट खड़ा उसके पास बंदे हैं, तो मैं ये मुद्दा करके जाऊंगा। नेट एक मैंने फेंका है, मैं थोड़ा और कुक करना चाहिए, लेकिन मैं वो डर था कि वो सामने मेरे पे उसके एम लेके पीछे ना है। बैठा मेरे को डाउन कर दे। सो गाइस, इन बंदों को खोलने का टाइम आ गया, अंदर घुसा जाके प्रॉन हो गया। आइडिया उसका अच्छा था, लेकिन उसको ये लेने के देने पड़ जाएंगे गाइस। नहीं यार ऐसे कैसे, तो दोस्तों इसको किया मैंने डाउन, डाउन करने के बाद इसके बंदे आ रहे हैं सामने से। मैंने पहले कहा मैं फिनिश नहीं करता मोस्ट, जब जब तक ज़रूरत ना मारना हो। नहीं अभी से, एक मिनट ये फिनिश लोशी लोशी वाला यहाँ पे बंदा यार, सारे मेरे थे कि मेरा था यार, मेरे को बहुत दुख होता है। अच्छा यहाँ पे एक बंदा घास में लेटा होता है, वो नीचे लेफ्ट में, यहाँ भाई उसको पता ही नहीं चलता है। मैं तो बड़े मज़े से आता हूँ लूट करता हूँ, फिर लालच आ जाता है गाइस इन चेक करना। अभी अभी वो बंदा पीछे, मैं बोलता हूँ नहीं, ओम 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 के लालच में यार 1 इंच में नीचे हो रहा था वो, भाई आप भी नहीं करो मेरे को कभी, डाउन नहीं कर करो। देगा लिटरली यार। ओए यार सनिया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को गेम प्ले बहुत बिल्कुल, अच्छा लगा होगा, हाथ लगाओ हाथ तो लगाओ। गलती वगैरह भी तो माफ़ करना। सो गाइस स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी विथ फैमिली। आई ऑलवेज से प्ले पबजी, लेकिन बी विथ फैमिली, फैमिली को भी टाइम दो गाइस। पबजी भी तो चलती रहती है जाती है यार, पबजी आने वाली चीज़ें गाइस। सो गाइस चिकन में मिलेगा आप लोग को, डैमेज भी अच्छा था, किल्स भी अच्छे थे, और मेरा टायर में खास से बिल्कुल क्राउन 5 था। और बस इंशाल्लाह ऐसे वीडियोस आप लोगों के लाता रहूँगा गाइस, जिसमें आप लोगों भाई को बहुत लगाओ ज़्यादा तो मज़ा भी। आता रहेगा। और कोशिश ये करो गाइस कि अभी थोड़ा किसी अच्छी और चीज़ लगी के है अंदर यार, दिल लगाओ, जब और तक अपनी जो नौ जुलाई नहीं आती फिनिशिंग और है बीच में कोई ना जुगाड़ खेल वगैरह सकते मुझे भी आप। मिलती है, तो मैं आप लोगों के साथ अपलोड करूँगा, सेव करूँगा और नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐड करूँगा या TDM वाला आप लोगों के साथ 1v4 अरबियों को प्रो स्क्वाड 2। अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, आदियास अमिगोस।